जनपद अमरोहा में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के निर्देश पर थाना नौगावा सादात के थाना प्रभारी संत कुमार ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ खुलासा किया है, जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में बने अधबने अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। आपको बताते चले कि सोमवार को दोपहर थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा सूचना पर सिरसा जट के मटरू शाह के जंगल में एकांत के बाद में दो अभियुक्त तस्लीम आरिफ पुत्र इकबाल और इकबाल पुत्र छिद्दा निवासी ग्राम जब्बारपुर थाना नौगावा सादात से अवैध शस्त्र बनाने का निर्माण कर रहे थे, जिनको पुलिस ने भारी मात्रा में बने अधबने अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक देशी राइफल 315 बोर, एक देशी बंदूक 12 बोर, एक तमंचा 315 बोर, एक मिस कारतूस 315 बोर, तीन तमंचे 12 बोर अधबने, एक तमंचा 315 बोर अधबना, एक देशी रिवॉल्वर अधबनी अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना नौगावा सादात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गयी। पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा आर्थिक लाभ लेने हेतु अवैध शस्त्रों का निर्माण करना बताया गया। अभियुक्तगण से पूछताछ कर शेष आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम सिरसाजट के मटरू शाह के जंगल में आम के बाग से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो कि अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहा था, जिनसे अवैध शस्त्रों के निर्माण के उपकरण तथा कई अधबने और पूंटे बने अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, जिनमें एक राइफल 315 बोर, एक बंदूक 312 बोर, एक तमंचा 315 बोर मैग मिस कारतूस के तथा चार अधबने तमंचे बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्तगणों को जेल भेजा जा रहा है। इनसे जानकारी की जा रही है कि ये इनके द्वारा कहां सप्लाई की जा रही थी। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।